पाकिस्तान का एक पॉडकास्ट है जो इंडिया के अंदर आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इनके चैनल का नाम है आमिर खान एंड आज हम इनकी वीडियो देखने वाले हैं पाकिस्तान में बिजली का मसला। सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुल्क के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, मतलब मुल्क एक पेज पे नहीं है। आप देखे ना, आगे वाले बुजुर्ग नमाजी दुआ मांग रहे हैं कि अमेरिका तबाह हो जाए और पीछे वाले जवान नमाजी दुआ मांग रहे हैं कि अमेरिका का वीजा लग जाए। ये बात तो सही है भाई, सारे बाहर की तरफ ही भागते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बरकत भाई और उज़्मी भाई क्या बोलेंगे, ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये उज़्मी साहब, आप पहले सीनियर आदमी, आप बताएं मुल्क किस तरफ जा रहा है। सीनियर आदमी, सीनियर और सांप जा दिखे मार दो। पाकिस्तान में अगर आपने रहना है ना, कहा कि आपकी चार दोस्त होना लाजमी है, डॉक्टर, वकील, SHO और बदमाश। पाकिस्तान छोड़ो, कहीं पे भी आपको रहना है, ये चारों तो दोस्त होने चाहिए आपको। अच्छा, ये चार दोस्त होना लाजमी है अगर इस मुल्क में रहना। ये कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर आप मुतमईन है तो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात आगे बढ़ गई। देखिए, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ अमीर की शराब को शराब कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन गरीब की नस्वार को एक कांस्टेबल भी चर्च साबित कर देता है। ये तो बात सही है, दिस इज द मुल्क, ये बात सही है, वो चल भी जाती है। और हम सारा अलमिया पॉलिटिशियंस पे डालते हैं। देखिए, बात पता है कि हमें पॉलिटिशियंस से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उन लोगों से है जो इन लोगों को वोट देते हैं। सही बात है भाई, पहले लीडर लोग आते हैं कि आटा दे देंगे तुम्हें, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वादे कर देते हैं, लोग लालच में आके वोट देते हैं, फिर बैठ के भुगतने लग जाते हैं। भाई पहले वोट ही क्यों देते हो तुम? अब एक बात, मैं उन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ जो आपको बुरे लगते हैं, जो बुरे लगते हैं आप उन पॉलिटिशियन को हमारे इस जोक में मर्ज कर लीजिए। एक पॉलिटिशियन कह रहे हैं मेरी अम्मी को हिचकियां बहुत आती है। मैंने कहा सर, आपने इतनी महंगाई कर दी है, पूरी कौम आपकी माँ को याद कर दी। अब वो किस तरह कर दिए वो आपको सोच ले। हाँ, अगर महंगाई कर दी तो किस तरह याद कर रहे हैं? पॉलिटिशियन कह रहे हैं हम आपको अच्छे दिन देंगे, मतलब अच्छी रातों का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। लेकिन जो मौसम हो रहा है ना, इसमें रातों का इंतजाम होना चाहिए। हाँ, इस दफा ठंड कुछ ज्यादा नहीं हुई, खाल सुखड़ गई है। सुस्ती इतनी हो गई है यार, ख्वाब में भी नींद आ रही है। और कुछ लोगों मैंने देखा इतने सुस्त होते हैं, इतने सुस्त होते हैं, जब वो मर जाते हैं ना, फिर भी उनको लोग देखकर बोल रहे होते हैं, अबे यार जब ये जिंदा था ना तभी इसी तरह लेटा रहता था। सुस्ती की मेरी बात है। तो बात ये हालात खराब है, हालात खराब है, मुल्क के खराब है। हाँ, और घरों के हालात भी खराब है, तलाकें हो रही हैं ज्यादा, तलाकों का रेशो बढ़ गया है। आप देखें ना, बाहर के मुल्कों में जब कपल सोने के लिए जाते हैं ना, कहते हैं गुड नाइट स्वीटहार्ट। हमारे यहाँ जब कपल सोने के लिए जाते हैं, आवाज आती है ताला सही से चेक कर लेना। तो हालात की वजह से, हालात की, आप देखो हालात की वजह से ना, मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया। आप शौहर कह रहे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है, शौहर कह रहे बीवी से तुम इतने इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। आप तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? आप समझे क्यों नहीं, आप इंग्लिश फिल्में देखते नहीं हो या वैसे घुन्ने बन रहे? नहीं मतलब अगर मैं ये समझ गया तो मैं गंदा बच्चा हो जाऊंगा। समझने वाले, जब से आप लोग शो में आए, ये 18+ शो हो गया है, आप लोग यकीन करें। अच्छा, हमने किया है। और नहीं तो क्या, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उम्र के हिसाब से तो 3 दफा 18+ है। देखिए, बात करते हैं कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है, जो मसले असेंबली में डिस्कस होने चाहिए वो मसले हेयरड्रेसर की दुकान पे बैठ के डिस्कस हो रहे होते हैं। ये बात भी है यार, ये मसले वहां डिस्कस क्यों नहीं हो रहे? और हमारे पॉलिटिशियनों का ये हाल हो गया है कि अपनी ही प्रोटोकॉल की गाड़ियों को देखकर साथ वाले से पूछ रहे होते हैं, यार ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? टेंशन में, खुद टेंशन में, आम टेंशन में, ये हमसे ज्यादा टेंशन में यार, समझ रहे ना। अच्छा बरकत भाई, ये बात सही है कि अगर खवातीन जो है अगर डाकिया होती तो आधे खत खुले हुए मिलते हैं, ये बात सही है? खवातीन खुले हुए मिलते हैं, कुछ कुछ खत खुले हुए मिलते हैं, कुछ खत मिलते हैं, सारे खुले हुए मिलते हैं। देखते अंदर क्या, किसने किसको क्या भेजा, क्या भेजा। देखो यार, बात पता है, जिसका खत होता वो खोलता सही खत, जब वहां खत पहुंचता। हाँ, मैं समझा नहीं ये बात भी, मैं भी नहीं समझा। कह रहे यार तो मेरे खत खोल के लाया, आ जा भाई। अच्छा बात पता है क्या है, क्या है? आप यकीन करो, हर चीज से दिल उठ गया सिवाय शादी के। हाँ, मुझे एक बात बताएं, आपकी एज क्या है बरकत भाई? मेरी एज बाकी की, बाकी मेरी कितनी एज है? ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, जितनी है अल्लाह का शुक्र। आई एम 46 अनटच कवारा, 46 अनटच कवारा। अभी तक आपने शादी नहीं की? शादी नहीं की। देखिए देखिए, शादी के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, बड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पे। ये बड़े बूढ़े कहते हैं, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे तुम्हारी शादी नहीं होगी, हालांकि वो खुद खड़े नहीं हो पाते थे। अच्छा हाँ। अच्छा, मेरे एक सवाल है, काफी अरसे से मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप दोनों शादीशुदा इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मियां बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। डायरेक्ट बोल दिया, बहुत अच्छे यार, मतलब हमसे दो हाथ आगे भाई, मोबाइल तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, ये यार देखो अबे पुराने पलंग जो खराब हो जाते हैं घर में, तुम्हारा जहन ही गंदा है। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि बीवी से रोमांस करना ऐसा है कि आप जिस्म के उस हिस्से पे खारिज करें जहाँ खारिज नहीं हो रही।
हर मौसम में सवाल होता है कुछ बीवियों का, कह रहा हूँ कुछ बीवियों का, सुनिए आप जल्दी थक जाते, मैं तो इतना जल्दी नहीं थकती, शौहर कह रहे जानू हमेशा पेट्रोल खत्म होता है सड़क नहीं, क्या देखो सुरतल क्या है, देखो बात क्या है कि आज का दौर ऐसा हो गया आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बात तो सही है। दो दिन पहले की बात है, मैं घर पर बैठा हुआ फिल्म देख रहा था, मैं फिल्म छोड़कर वॉशरूम गया हूँ, वापस आकर देखा तो गुंडे हीरोइन को उठा कर ले गए। अबे दो मिनट तो ठहरते, मैं अभी जहन बना के गया हूँ, अभी आ रहा था, तुमने अपना काम निपटा दिया, मेरा काम तो अधूरा रह गया। उससे पहले क्या सीन था जो आप वॉशरूम गए? उसके था कि वो बाप बेटी को समझा रहा था, वो बाप ही था। हाँ, एक तो पता नहीं पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते, ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। मुझे भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा आपको पता है वॉशरूम में मारी जाने वाली चीजों में कॉकरोच आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्या? पहले नंबर पर है मोबाइल कुंडी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो आप लोग सोचते ही गंदा हो, तुम लोग मेरे मुझे भी बदनाम कराओगे। मारते ना भाई, कॉल नहीं मिल रही यार, देखो इतना ऐसा लगा। हाँ अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए बात पता है क्या, मैं एक सीरियस बात करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग बिलो दी बेल्ट बात कर रहे हैं, एक फैमिली पॉइंट ऑफ फैमिली फैमिली नहीं देख पाई। देखिए मोहब्बत क्या है, क्या फैमिली झुकना पाएगी, कभी घुटनों तक कभी पेशानी तक। जो आप सोच के बैठे वो भी देखिए बात पता है क्या, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था जब हम शुरू में बैठे हुए थे ऑफ ईयर। देखिए हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, पानी के कतरे की अपनी वैल्यू है। सही बात, पानी का कतरा आसमान से गिरे बरसात बन जाता है, आंखों से गिरे जज्बात बन जाता है, नीचे से गिरे खानदान बन जाता है। ये देखो अच्छा कौन से फ्लोर की बात है, ये ग्राउंड फ्लोर पे जब पानी जमा हो जाता है ना गुड्डों गुड़न तक, तो खानदान कैसे बनता है? खानदान अपनी कब्र होगा भाई, आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो नीचे फ्लोर पे खानदान नहीं बना हुआ क्या? हाँ भाई, अब बात पता नहीं कैसे कवर करो आप, उसको मत कवर करिए, अब नहीं हो रहा कवर, अब नहीं होने वाला आपका यार, हमारा भी वहीं जा रहा है, वहीं भी तुम लोग बहुत यार इतना उलझा। देखो मैं पता क्या कहता हूं, देखो सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताऊं, सूरतल ऐसी होगी हम नौजवानों की कि रात को ख्वाब नकली आते हैं और माल असली निकल जाता है। जो पुलिस पकड़ लेती है नाके पे, हाँ। असली माल होता है वो निकल जाता है। देखो ये अच्छा। तो मेरे साथ कितना अच्छा कवर करता है, लेकिन आवाम गालियां दे रही नीचे। सारा कवर मैं ही करता हूँ इसका। देखिए बात पता है क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है सूरत हाल ऐसी है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और ये होता भी है कि इंसान सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है। अच्छा। और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। ये कैसी बात है यार? जब बारिश वगैरह होती है उसमें कपड़े कम पहन के नहाना पड़ता है, एंजॉय करता है। और मैंने देखा जाके छत पर हर बात को किले करना जरूरी नहीं, पब्लिक को पता है क्या गंदी सोच के लोग बैठे हैं। नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, तुझे इतना बड़ा शो कर रहा है, मिलियन में व्यूज है, समझ कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं, इसीलिए तो है उसके समझ ना आ रहा है। अच्छा आप ऑडियंस के पॉइंट पे जिनकी बातें समझ आ रही है उनके व्यूज नहीं आ रहे। बात पता है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा, आपने भी नोटिस किया होगा, करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूम रहे, हाथ में लाखों रुपए के सेल फोन है, लेकिन सोच वही 10 रुपए वाली। अरे इंसान महंगे कपड़े पहनने से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा उस वक्त होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? वो किसी को दे देता है कपड़े, क्या कहेंगे आप? तकरीबन बरकत भाई पहला फैमिली जोक सुनाया आपने, आपकी माशरे पे एक रिसर्च है, तो ऐसा लगता है बहुत आप क्वालिफिकेशन बहुत ऊपर है आपकी। इन्होंने एमए किया मैंने शियात में, मैंने बताया इन्होंने पीएचडी किया पिज्जा डिलीवरी। देखिए बात ही पता है कि हम गुरबत की वजह से पढ़ नहीं सके, क्योंकि हमने कभी स्कूल में पोजीशन लेने के लिए मुनाफकत नहीं की, हमेशा दूसरों को मौका दिया, चल भाई तू आगे। और हमारे जमाने में हर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं हर सब्जेक्ट हमसे नफरत करते थे, बल्कि हम सब्जेक्ट से नफरत करते थे। अब बात पता है कि हमारा जो ना हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हमें बुरा लगता था। हर सब्जेक्ट में हमारे जो है ना वो ऐसा होता था, लेकिन मैथ जो होता था ना, मैथ आपको पसंद था? नहीं नहीं हाँ। और हमारी मैथ्स की टीचर हमें कंफ्यूज करती थी, एक दिन मुझे कह रही है 5 और 5 10 होते हैं, मैंने कहा ओके चलो 5 और 5 10 होते हैं, मैं सेटिस्फाई हो गया। अगले दिन कह रही है 8 और 2 10 होते हैं, मैं कंफ्यूज, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, कल कुछ और कुछ। फिर तीसरे दिन कह रही है 6 और 4 10 होते हैं,
और कंफ्यूज, मैंने कहा एक बताओ भाई कितने कितने दस होते हैं, उलझाओ नहीं। हाँ। उलझाते थे वो बताना चाह रही थी कि दस होते हैं, आपको नहीं पता। हाँ, और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। कैसे? अहमद के पास 5,000 रुपए हैं। रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे। अहमद अहमद की तो डूब गई। अहमद मकरूस, उस वक्त बच्चे थे। अरे बच्चे नहीं थे, बच्चे थे। अच्छा, बच्चे बच्चे बच्चों के चेहरे पर नूर क्यों होता है? क्यों होता? बच्चे शरारत करते हैं, साजिश है नहीं। वाह, एक बच्चे का कहना, या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाए या फिर मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाए। आजकल के बच्चे इतने शरारती, इतने ज़हीन, मैं कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन है। घर में बुजुर्गों की तबीयत देखकर खुद ही माइंड बना लेते हैं, 3 दिन की छुट्टी आने वाली है, मैं बता रहा हूँ, खुद ही ज़हन बना लेते हैं। और एक बच्चे का कहना है, आज के दौर के एक बच्चे का कहना, और अच्छा कहना है, कि हालात ने हमें ऐसा सबक सिखाया कि हम शागिर्द बनने की उम्र में उस्ताद बन गए। देखो ना, बच्चे अंदर से 35-40 साल के हो रहे हैं, 18-12 साल के, लेकिन 45-70 साल मैच्योर हो जाते हैं। शौहर ने ना बीवी को मैसेज किया कि अगर मुन्ना सो गया तो मैं आ जाऊं, रिप्लाई आया अम्मी सो गई आ जाए। बच्चे सही ना, आप देखो मैडम बेचारी अच्छा सवाल पूछ रही है, मैडम बच्चों से ही पूछ रही है, बताइए बिल्ली के इतने बच्चे कैसे होते हैं? बच्चा कह रहा है, अगर आप भी रातों को गलियों में घूमेंगे आपका भी यही असर होगा। बरकत भाई जी, यहाँ जो भी आ रहा है ना, मैं पूछता हूँ, रजनी भाई, हाँ, लव लव हुआ, लव, ओह माय गॉड, इंग्लिश लव, प्यार जो है ना वो कर लेना चाहिए, जब मौका मिले कर लो। कभी प्यार किया? ओहो, कितनी देर तक किया? करते हुए देखा। आजकल मौसम चल रहा है ब्रीड का। देखिए, हम सफर खूबसूरत नहीं, सच्चा होना चाहिए। वाह वाह, उसके बाद में बच्चा होना चाहिए। वाह यार, हर बात को गंदा करो, मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। बच्चा तो चले सही है, बच्चा तो सही हो रहा है। हाँ, अच्छा, शादी के बाद बच्चे ही होंगे और क्या। हाँ, शादी का बच्चा बच्चे होगा। अच्छा, सिचुएशन पता है क्या? देखिए, आजकल के लड़कों को मैंने नोट किया, आजकल के लड़कों को 40 साल की आंटियां भी हॉटर लगती हैं। हाँ। और लड़कियों को 25 साल का लड़का भी बूढ़ा लगने लगता है। कुछ लड़के ना मैसेज पे स्वागत मना लेते हैं। आपको पता है मैसेज भी यार ये हो रहा है माशरे में, लिख के मना ली, सामने हो तो क्या करता। अच्छा, अब देखो मेरी बात समझ में नहीं आती, लड़कों के पास जब बातें खत्म हो जाती है तो चूमना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या मोबाइल? हाँ हाँ, कहाँ ले जा रहा हूँ। अच्छा, देखो मोहब्बत का क्या, मोहब्बत की सूरत हाल ऐसे, मोहब्बत में जो सवालत होते हैं ना, बिना सवाल, लड़का पूछ रहा है लड़की से, तुम्हारी अम्मी क्या करती है? लड़की कह रही है उनका ब्यूटी पार्लर है, वो दुल्हन तैयार करती है। लड़का कह रहा है, अच्छा मेरा अब्बा भी दूल्हा तैयार करता है। लड़की कह रही है उनका भी ब्यूटी पार्लर है। लड़का कह रहा नहीं, वो हकीम है। मैं बता रहा हूँ, ये मोहब्बत में जो सवालत होते हैं ना, अच्छा तैयार करके पहले ट्रायल भी लेते होंगे। ये मर्दाना कमजोरी का शायद आपने सुना है, जहां तक मैं समझा, मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना दिया, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना दिया। ये मर्दाना कमजोरी का मैंने जगह पढ़ा था कि जिस मुल्क की दीवारों पे इतने मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारात हो, उनके मर्द जन्नत में जाके हूरों को क्या मुंह दिखाएंगे। दीवारें चीन अगर कराची में होती ना, पूरी दीवार पे लुंडा बाजार लगा होता, खुदा की कसम। आप देखिए, आजकल की लड़की ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब आप देखो, बस स्टॉप पे कवारी लड़की प्रेग्नेंट औरत को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। लड़का लड़की के कान में आके कह रहा है, मेहनत कर, हसद ना कर। अच्छा बात पता है क्या, मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनके नखरे, उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती। उनको डाकू अगवा करके भी ले जाएगा ना, उनसे भी कह रही होंगी, एक्सक्यूज मी, मैं शीशे वाली साइड पर बैठूंगी। नहीं, ये खत्म हो सकती उनकी फरमाइश। ये प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है। अबे मेडिकल स्टोर पे जाके कहती है ये गोली किसी और कलर में दिखाएं। हाँ। अच्छा बात पता है कि मैंने कुछ लड़कियों को देखा, मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उनको भी जवाब नहीं देती जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। अबे भाई जवाब तो दो यार। हाँ। लड़के लगे में मुसलसल लगे में, और लड़का मोटरसाइकिल पे बेचारा टाइपिंग कर रहा है, और ये बर्तन धोते हुए नहीं कर पा रही। आप ये देखा, और कोई लड़की अगर कहते हैं ना नेट स्लो था, मैंने एक जगह पढ़ा था, कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था, समझो वो बर्तन धो रही थी। अच्छा एक बात है जी, जी फील्ड में इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, इतने सारे कॉमेडियंस हैं, सबके स्कैंडल सामने आ चुके हैं। अच्छा। कोई ना कोई सबका स्कैंडल का साइज पता लग चुका है आपको। आपका कब आ रहा है? आप दोनों का स्कैंडल नहीं आया अभी तक। बरकत भाई खास तौर पे आपका, इसका चक्कर है इसकी बीवी के साथ। और मेरा कल केस भी कर दिया था आपकी वाइफ ने कि मेरा शौहर मुझे गंदी नजरों से देखता है। केस नहीं किया था, एप्रिशिएट किया। आजकल की व्हाट अबाउट यू? नहीं, मैं इस पे आता हूँ। देखो बात पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हुए देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि अगर चक्कर में पड़ोगे ना तो धुलाई लाजमी है। तो मैं कपड़े धोने पड़ते हैं हाँ, सुबह उठते ही मेरी अम्मी कहती है बेटा चलो शाबाश, चलो। हाँ।
तो बात पता है क्या, देखो अपर नहीं तो लोअर धो लो। हाँ, और ज्यादा लोअर ही धुलता है। देखिए बात पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग 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 बारिश में दिल लगाते हैं और मैं गाड़ी पे वाइपर लगा रहा होता हूँ। लोग यकीन करो, लोग लोग रात को अपनी जानों से लड़ रहे होते हैं और मैं मच्छरों से लड़ रहा होता हूँ। लोग मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में पड़ता हूँ। ये मेरा है, क्या व्हाट कैन आई डू फॉर दैट टाइम। लेकिन लड़कियां भाई को बहुत चाहती हैं। ये मैंने देखो, एक रिस्पेक्ट आपको बहुत चाहती हैं, बहुत ज्यादा चाहती हैं, रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। तो फिर तो आपके ब्रेकअप भी बहुत हुए होंगे। अरे मैं कहता हूँ, ब्रेकअप के बाद पुरानी चैट मोबाइल में रखने का ये नुकसान है, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा, घर वाले पढ़ेंगे तो हड्डियां टूटेंगी। मैं रखता ही बात है भाई, ब्रेकअप ब्रेकअप पिकअप फिर पैकअप होता है, ब्रेकअप नहीं होता आज के दौर में, ब्रेकअप नहीं होता। मतलब शादी से बेहतर शादियां ज्यादा नहीं हो रही, ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं। मैंने पहले इतनी ज्यादा चैटिंग कर लेते देखो बात पता है क्या, मैं अगर सीरियस नोट पे बात करूं, इतनी आप लोगों ने वाहियात बात की, तो मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाह रहा हूँ। आज की औरत जो है ना, औरत बल्कि मुझे ऐसा लगता है अक्सर और बेशतर औरत ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है, औरत ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जिसका मुस्तकबिल अच्छा हो, और मर्द ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जिसका माजी अच्छा हो। क्या सिचुएशन है ना, सिचुएशन सिचुएशन है, बच्चे फिर वो हम जैसे ना हो, बस अल्लाह ना करे। बात वही है ना, बात ये कि मर्द ये चाहता है कि वो औरत की जिंदगी का पहला मर्द हो, जबकि औरत ये चाहती है कि वो मर्द की जिंदगी की आखिरी औरत हो, आखिरी औरत। ये अच्छी बात, करो वही गंदी बात। देखो बात पता है, एक बीवी कह रही है, बीवी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बीवी कह रही, शौहर जो होते हैं उल्लू की तरह होते हैं, उनको बीवी की सारी अच्छाइयां रात में ही नजर आती है। ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और शौहर ने हल्का सा भी अगर मतलब इशारा दिया ना, बीवी फौरन फरमाइश कर देगी, सूट की वहां जाना है, वहां जाना, फौरन फरमाइश कर देगी। सही बात मतलब, है, आई भी नहीं कह पाएंगे, लवली तो वो बात की बात है। अच्छा देखिए, आप लोग रियल स्ट्रगलर हैं, आजकल लोग बहुत पर्ची बहुत आ गए कॉमेडियंस ना, आप लोग रियल स्ट्रगलर हैं। अच्छा, रियल स्ट्रगलर की स्टोरी होती है, वो पहले ना कभी जॉब करता है, जॉब ला स्ट्रगलर जॉब हमेशा करता है। अक्षय कुमार रक्षा चलाता था, रजनीकांत कंडक्टर था, तो आप तो अभी भी लगता है मोदी चाय बेचते थे, उतार के हमने भी जॉब की। 1992 में मैं एक पहली बार जॉब के लिए गया, उन्होंने मेरी सीवी देखकर कहा, अभी हम आपको शुरू में 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, बाद में 30,000 रुपए कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। बाद में यही नहीं, मैंने कौन जाए यार, होता है। अच्छा बाद में वो खुद आ गए, अब देखो पाकिस्तान क्या हुआ, 30,000 चाहिए नहीं चाहिए। हाँ कह रहे देखो तुम काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ देखो अब देखो अब देखो पाकिस्तान से बाहर की फैक्ट्री में लड़कियों के लिए नोटिस लगा हुआ था, अगर आपकी स्किर्ट्स लंबी है तो इंजन से बचें, और अगर छोटी है तो इंजीनियर से बचें। फिर तुम लोगों ने कोई ऐसी बात की है। मुझे समझ नहीं आई, मैं बस ऐसी हंस रहा हूं ताकि आप लोग बोले यार समझ तो आ रही है। बरकत भाई और रजमी भाई, यार ये सर्दियों में लाइट क्यों जा रही है? गर्मियों में समझ आती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होती है, सर्दियों में क्यों लाइट जा रही है भाई? अरे कल मेरे घर में इत्तेफाक की बात है, कल मेरे घर में इतनी बार लाइट आई और गई, आई और गई, आप यकीन करो पंखा भूल गया, सीधे ऐसे घूमना उल्टा ऐसे ही हो गया। बता रहा हूँ आपको यार, सर्दियों में लाइट जा रही है, खुदा की कसम यार। अब जब 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 कोई पास बैठा हो आपका, कोई ऐसा कोई पसंदीदा आदमी, उस वक्त लाइट नहीं जाती, उस वक्त ऊपर लाइट तेज आ रही होती, मुंह पे पड़ रही होती, हम दुआ करो अल्लाह करो लाइट जाए, उस वक्त नहीं जाती। ये क्या, अब तो लाइट आती है, हम लोग आंख पे हाथ रख लेते, बंद करो यार, इतने अंधेरे में रहने की आदत हो गई यार, खुदा की कसम। लाइट जाती है, चलना शुरू हो जाते हैं ना। हाँ वो तो आपके घर में है, इसके पैट्स बहुत है ना, छोटे छोटे पैट्स पाले हुए, और कराची में इसने एक बुलडॉग पड़ा हुआ, क्या कबूतर पाला हुआ है, नहीं घर में ऐसे तो पाला हुआ है ना। हाँ, हाँ, मैंने घर में एक मुर्गा पाला हुआ है और एक मुर्गी पाली हुई, मैं सोच रहा हूँ दोनों की शादी करवा दूं, है ना, मैं कब तक नाजायज अंडे खाऊंगा यार। नाजायज अंडे की जर्दी का रंग कैसा होता है? ये आप कुछ लाल होता है, लाल वो निकालते हैं ना अंदर से। अच्छा फकीर पे आ रहा हूँ, मैं आता हूँ फिर आप बोले फकीर पे, ठीक है चलोगे? ये इतनी ज्यादा लाइट भी जा रही है कराची में, कराची में तो है ही मुसीबत है। अब आप देखे ना, कहीं आप खाना खाए फकीर कितने हो गए, और वो भीख नहीं दो ना, बतवा देता जहां तुझे सनी लियोन जैसी बीवी मिले। भाई फकीर आवाज लगा रहा था, अगर अल्लाह के नाम पर पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे होगे। मैंने कहा ले 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 भाई, भाई मार मारते हैं यार। लेकिन अगर वो सनी लियोन वाली बद्दू आपको लग गई यार फिर, और अगर आपको मिल गई, ओए होए अहमद, तू डिफेंस में, डिफेंस में बगला, तू शो में बोला फिर मैं आऊंगा ही नहीं। मैम अल्लाह का शुक्र है पैसे बहुत हैं। ओ क्या बात है यार, ये जबड़ा यहीं पे अटक गया है। सही बात है भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है बरकत भाई नहीं रोक रहे तो मैं रोक रहा हूँ बरकत भाई। हाँ अगले भाई। एपिसोड के लिए भी कुछ बचा के रखे, अगले एपिसोड के लिए बचा के इतना बड़ा पर्चा लिखा था, ये फाड़ रहा हूँ मैं। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम का स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छा है ना, बस आपके आगे अच्छा फौरन फाड़ देता है। हाँ वो सामने को सांस लेने का मौका ही नहीं देता। हाँ ये पर्चे मैंने फाड़ दिए, आप दोनों इतना अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा सुना रहे थे कि मैंने बोला मैं क्यों बीच में बकवास करूं। नहीं आपकी बकवास की वजह से मैं भी नहीं कुछ बोला भाई।
भाई। सो ये थी वीडियो भाई बरकत और उज्मी भाई की। भाई दोनों ने कमाल कर दिया। एक बंदा मतलब जोक्स मार रहा था बहुत ज्यादा डार्क वाले और दूसरा बंदा कवर कर रहा था। और होस्ट तो भाई मैं तो हंस रहा हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता मैं किस बात पे हंस रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया है भाई। एंड जितने भी जोक्स आ रहे थे बीच बीच में, अच्छी बातें भी आ रही थी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी जा रहा था, डार्क ह्यूमर भी आ रहा था भाई। टोटली मजा आ गया भाई देख के। एंड आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आई जल्दी से वीडियो पे लाइक मार दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।